हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खुशी चहल व्लॉग्स। तो यार आज हम बनाने वाले हैं आलू और बथुए के पराठे। तो देखते हैं यार वीडियो में कि कैसे हम इनको खस्ता और चटपटे बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेने हैं आपको 4 उबले हुए आलू और थोड़ा सा उबला हुआ बथुआ। बथुआ ये आधा किलो था, मैंने सिर्फ पत्तियाँ बॉईल करी हैं इसकी, और बाकी जब आप इन निचोड़ोगे तो ये और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी, ये एक फैक्ट है। तो आइए सबसे पहले ले लेते हैं हम अपना आटा। तो आटे में सबसे पहले आप डाल लो 1 चम्मच नमक। नमक के बाद डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच तेल, तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे गरम पानी और फिर हम इस आटे को मिक्स कर लेंगे, यानी कि मांड लेंगे। तो यार सर्दियाँ चल रही हैं तो इसलिए हम गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो यार आटा हमने लगा लिया है, अब हम इसको साइड में रख देंगे। फिर हम करेंगे अपनी स्टफिंग को तैयार। तो इसके लिए मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है और जो हमारा बथुआ था उसका मैंने सारा पानी निचोड़ लिया है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अगर आपको और ज़्यादा बथुआ चाहिए तो आप और ज़्यादा बथुआ उबाल लीजिएगा, क्योंकि ये निचोड़ने के बाद थोड़ा रह जाता है। तो सबसे पहले डाल लेंगे हम 2 चम्मच अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ और 2 चम्मच हरी मिर्च। उसके बाद डालेंगे हम 2 चम्मच अपना हरा धनिया बारीक कटा हुआ। उसके बाद डालेंगे हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च। और हम इसको अब मिक्स कर लेंगे। नमक को हम बिल्कुल एंड में डालेंगे क्योंकि फिर पिट्ठी पानी छोड़ जाती है, तो पहले आप इसी को मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद हम नमक डालेंगे। तो यार अब हम डाल लेंगे 1/2 चम्मच नमक और हम अब इसको मिक्स कर लेंगे। नमक आप तभी डालिएगा जब आप पराठे बना रहे हो, वरना जो हमारी स्टफिंग है वो पानी छोड़ जाती है, तो इसलिए फिर आपको प्रॉब्लम आएगी पराठे बनाने में। तो ले लेंगे यार एक छोटी सी लोई, लोई को बेलन की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर हम इसमें अपनी स्टफिंग को फिल करेंगे। कुछ इतनी बड़ी आपको रखनी है। अब हम इसमें भरेंगे अपनी स्टफिंग। स्टफिंग भरने के बाद आपको ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना है। अगर आटा ज़्यादा बच रहा है ऊपर की साइड तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो अब हल्का सा आटा लगा के हम इस लोई पे अपना पराठा बना लेंगे। पराठे को ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम साइज़ में आपको बेलना है ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो पराठे से बाहर ना जाए। अब हमने तवा जो है हमारा गरम कर लिया था, अब हम इस पे अपना पराठा डाल देंगे। पराठे को मीडियम आंच पे पकने दें। तो यार जब आप तेल लगाओ तो आप हमेशा कोशिश करना कि साइड साइड में पहले लगाओ, क्योंकि अगर आप बीच से स्टार्ट करोगे तो तेल ज़्यादा लगेगा पराठे में और पराठे ऑयली हो जाएंगे। और जब आप इनको सेकोगे तो इन पे आप चम्मच फिराते रहना, जिससे कि ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। बाकी पराठे चटपटे बनाने के लिए मैंने इसमें लहसुन और अदरक बारीक कटे हुए डाले थे, तो यार उनसे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो वो भी डाल लीजिएगा। आप देख सकते हो आप इस टाइप से आपको चम्मच फिर
फिरानी है अपने पराठों पे। तो यार पराठा हो चुका है तैयार, अब हम इसको प्लेट में रख देंगे। तो यार ये थी हमारी क्रिस्पी पराठों की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहें खुशी चहल ब्लॉग्स के साथ। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय।